हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप भी CUT का एग्ज़ाम देने वाले हैं और आप CUT के एग्ज़ाम को लेकर टेंशन में हैं कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा चैलेंज देने वाला हूं जो आपकी CUT प्रिपरेशन में 4 चांद लगा देगा। तो अगर आप CUT के साथ साथ NDA की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए इस चैनल पे NDA के लिए भी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस हैं। मैंने कुछ दिन पहले ही NDA के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी और 10 दिनों का चैलेंज का वीडियो बनाया था, तो प्लीज़ इस वीडियो को भी चेकआउट करें। और मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सीरीज लाने वाला हूँ जो आपके NDA एग्ज़ाम को भी बहुत हेल्प करेगी। तो प्लीज़ उस प्लेलिस्ट पे जाएं, NDA वाली प्लेलिस्ट पे, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं अपनी स्ट्रैटेजी की ओर, चलिए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही होंगे कि आपका CUT का एग्ज़ाम जुलाई में होने वाला है, जुलाई के मिड में होने वाला है, ठीक है। आपके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं और आप लोग 12th क्लास पे पढ़ के आए हैं अपना सिलेबस, ठीक है। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, आप 12th क्लास में सब पढ़ के आए हैं, बस आपको एक रिवीजन की ज़रूरत है, ठीक है। आपको बस एक अच्छा खासा रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन अच्छे से कर लेंगे तो आपका सिलेबस बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लीज़ आप इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपको अपना 10 दिनों का एक चैलेंज लेना है, ठीक है, 10-day challenge, ठीक है। आप 10 दिनों में 10 दिनों का चैलेंज लीजिए कि मुझे ये चैप्टर कम्प्लीट करना है। जैसे कि मैथ्स में ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं मैथ्स को लेता हूँ, तो मैथ्स में आप सोच लीजिए मुझे यार रिलेशन फंक्शन, ठीक है, और इन्वर्स ट्रिगो और मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स, ये 4 चैप्टर मुझे करने हैं, ठीक है। ये 4 चैप्टर आप सोच लीजिए, 4 नहीं तो आप 3 भी रख सकते हैं। रिलेशन फंक्शन कर लीजिए, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट कर लीजिए, ये 3 चैप्टर आप कर लीजिए इन 10 दिनों में, ठीक है। आप बिल्कुल श्योर शॉट रहिए कि मुझे इन 10 दिनों में ये 3 चैप्टर ज़रूर करने हैं, ठीक है। फिर आप आ जाइए फिजिक्स की ओर। जैसे कि आपने सोच लिया मुझे फिजिक्स में पढ़ना है, ठीक है, मुझे 10 दिनों में ये करना है, तो मैं आपको जैसे एक एग्जांपल में बता देता हूँ कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लक्स, और उसका 2nd चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, तो आपको जैसे वो 2 चैप्टर कर लेने हैं, ठीक है, आपके हो गए 5 चैप्टर। तो और केमिस्ट्री में 1 चैप्टर पकड़ लेना है। अगर आप अपने स्ट्रीम के अकॉर्डिंग लिखते हैं, जैसे आपको BSc करना है, तो आप अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन तीनों का, एक एक चैप्टर फिजिक्स केमिस्ट्री का ले लीजिए, और जैसे कि आप मैथ्स में अगर आपको करना है, ठीक है, BSc, अगर मैथ्स में BSc करना है तो आप मैथ्स को ज़्यादा वेटेज, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। अगर फिजिक्स में BSc करना है तो केमिस्ट्री को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा मैथ्स को। अगर BSc करना है तो इन तीनों सब्जेक्ट को साथ पे लेकर चलना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ BTech करना है तो आपको फिजिक्स और मैथ्स को बहुत ही अच्छे से लेना होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बस एक जस्ट एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आपको ऐसे करना है। अगर आप CA मतलब आप BCom जैसे सब्जेक्ट टारगेट कर रहे हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लें। जो आपने सब्जेक्ट चूज़ किए हुए डोमेन सब्जेक्ट, उन पे आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि उन्हीं पे आपका एडमिशन होगा। और कुछ में आपको जनरल टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट है तो आप जनरल टेस्ट को भी अपनी इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि जनरल टेस्ट भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी मांग रही है कि आपका जनरल टेस्ट एग्ज़ाम क्लियर कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और कुछ यूनिवर्सिटी सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में बहुत ही अच्छा करने को बोल रहे हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर कर लीजिए तो आपका सिलेक्शन करा देंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपको कोई और क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, जैसे कोई अपने सब्जेक्ट को लेकर या कुछ भी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। अगर उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी हुई तो मैं आपके लिए एक अच्छा वीडियो बना दूँगा। तो प्लीज़ अपनी क्वेरीज़ को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिंपली क्या करना है, आपको 10 दिन आप बना लेने हैं कि मुझे इस तारीख से इस तारीख तक मुझे क्या क्या करना है। आप अपने सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए, जैसे कि आपके सब्जेक्ट PCM है, ठीक है, PCM, तो PCM के अकॉर्डिंग आपको फिजिक्स में जैसे 2 चैप्टर कर लेने हैं, केमिस्ट्री में भी 2 कर लेने हैं, मैथ्स में भी 2 कर लेने हैं। अगर आप चाहें तो 3 दिन कर सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने 12th में सब पढ़ा हुआ है, आपको सिर्फ रिवीजन करना है और आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो आप इन्हीं पर ज़्यादा फोकस कीजिए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जिससे आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा,
ठीक है। और मैंने CUT पे एक और वीडियो बनाई हुई, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी चेकआउट कीजिएगा। और अगर आप NDA एस्पिरेंट भी हैं, अगर आप NDA का एग्ज़ाम भी टारगेट कर रहे हैं, तो मैंने NDA के लिए भी एक पर्टिकुलर वीडियो बना दी है 10 दिनों के लिए, जो आपको 10 दिनों में लेना चाहिए, क्योंकि दो एग्ज़ाम को लेकर आप बहुत ही टेंशन में हो जाएंगे। तो आप टेंशन में मत होइए, आप दोनों एग्ज़ाम को साथ में टारगेट कर सकते हैं। आप उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।